जम्मूसर बैठकना डीके स्वामी तेमज वागड़ा विधानसभा बैठकना उम्मीदवार अरुणसिंह राणाना प्रचार माटे आवे देशना सौथी युवान सांसद अने भाजप युवा मोर्चाना राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याए जम्मूसर खाते तेमज वागड़ाना चीमन चौक खाते जनमेदनी संबोधता कांग्रेस अने आप पर आकड़ा प्रहार कर्या हता। जम्मूसर खाते तेमज वागड़ा विधानसभा बैठक खाते युवा भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याए जनमेदनी संबोधता कहूं हतु के गुजरात में चूंटणी चाली रही है, आपणे दिवस रात मेहनत करी रह्या छे, त्यारे कांग्रेसना सर्वोच्च नेता वॉकिंग करवा निकळ्या छे, तेम कही तेमणे राहुल गांधी पर प्रहार कर्या हता। तेमणे कहूं हतु के तेओ जाणे छे के गुजरात अने हिमाचल में गमे तेटलुं करीश पण कशुं मळवानुं नथी, एटले ते थोड़ू वजन ओछू करवा वॉकिंग करे छे। तेमणे आप ऊपर पण आडकतरा प्रहार करता कह्युं हतुं के गुजरात में एक राजकीय पार्टी घुसवाना प्रयास करे छे, तेनुं नाम छे जेजेपी, एटले के जमानत जप्त पार्टी। आ पार्टी ज्यां जाए त्यां चूंटणीमां तेनी जमानत जप्त थाय छे। तेजस्वी सूर्याए विकासना गुजरात मॉडलनी प्रशंसा करता कह्युं हतुं के जे देश, राज्य, प्रदेश के जिल्लामां राजकीय स्थिरता होय त्यां विकास थाय छे, ज्यां राजकीय स्थिरता न होय त्यां विकास थतो नथी। गुजराते राजकीय स्थिरता मेळवी छे एटले गुजरातनो विकास थयो छे। आजे विश्व जे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट अथवा भारतीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थी जाने छे, ते मूडी डेवलपमेंट खरेखर तो गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट छे, जे आप सौना मतना आधारे 20-30 वर्ष पहला शुरू थयुं हतुं। तेम कही तेजस्वी सूर्याए सौना मतोथी अरुणसिंहने हेट्रिक्स बनशे तेम कही वागड़ा बैठक पर अरुणसिंह राणाने जंगी मतोथी जीताडवानी अपील करी हती। सभामां जंबूसर बैठक पर डीके स्वामी वागड़ा बैठकना भाजपना उम्मीदवार अरुणसिंह राणाए पण पोते करेला कार्यनी झांखी आपी आवनारा दिवसोमां अधूरा रहेला कार्योने पूर्ण करवानी खातरी आपी कमळना निशान पर मतदान करवा हकल करी हती। आ अवसरे मुंबईना सांसद मनोज कोटक, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री ईशांत सोनी सहित जिल्ला अने तालुका संगठनना होद्देदारो तथा कार्यकरो उपस्थित रह्या हता। आज जंबूसर विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार वरिष्ठ नेता संत डीके स्वामी जी के पक्ष में प्रचार कार्यक्रम में भाग लेने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हजारों संख्या में पधारे हमारे कार्यकर्ताओं का उम्मीद, विश्वास, उमंग को देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में डीके स्वामी जी का जीत ऐतिहासिक जीत होगा और पूरे प्रदेश में मैं लगभग 4-5 बार आ चुका हूँ पिछले 10-15 दिन में। जिस प्रकार से युवाओं में, युवा कार्यकर्ताओं में जोश में देख रहा हूँ, मुझे 100% विश्वास है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत अभूतपूर्व जीत होगा, हिस्टोरिक जीत होगा। और पिछले सभी चुनावों में जितना जीत भारतीय जनता पार्टी का हुआ है वो सब रिकॉर्ड तोड़ के नया इतिहास इस बार प्रदेश में शुरू होगा। और विशेष रूप में यहाँ डीके स्वामी जी एक संत शक्ति को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि गुजरात के गांधीनगर विधानसभा में सनातन संस्कृति के प्रतिनिधित्व करते हुए डीके स्वामी जी हम सबका जो आवाज़ है उसको वो बुलंद करेगा। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और स्वामी जी को मैं अभिनंदन करता हूँ।